नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ इडली फ्राई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इडली फ्राई बनाना। इडली फ्राई बनाने के लिए मैं कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए। एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया हुआ है, टमाटर एक कटा हुआ, हरी धनिया कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, शक्कर और हींग लिया हुआ है। हमने अदरक को ग्रेट कर लिया हुआ है, कड़ी पत्ता लिया हुआ है, दो मिर्ची को हमने स्लाइस में काट लिया हुआ है, सांभर मसाला लिया हुआ है, लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, हल्दी पाउडर, तड़के के लिए हमने राई लिया है, तेल लिया हुआ है और हमने नारियल की चटनी ली हुई है। हमने 5-6 इडली ली हुई है, उसको हमने इस शेप में काट दिया है। हमने पैन पहले से ही गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा पैन गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम तेल डालेंगे, हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम राई डालेंगे। अब इसमें हींग पाउडर डालेंगे, कड़ी पत्ता, ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, फिर इसे हम अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें हम मिर्ची डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे, प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। हमारा प्याज अब पक चुका है, इसमें हम टमाटर डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम हल्दी डालेंगे, मिर्ची पाउडर और सांभर मसाला डालेंगे। नमक डालेंगे और शक्कर डालेंगे, फिर इसे हम अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम नारियल की चटनी डालेंगे। सब मसाले में नारियल की चटनी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसालों को हम 1 मिनट तक पकाएंगे। हमारा मसाला पक चुका है, अब इसमें हम हरी धनिया डालेंगे। हरी धनिया को हम सारे मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है, अब इसमें हम इडली डालेंगे इस तरह। अब इडली को हम सारे मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा इडली फ्राई अब तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी, आप जरूर ट्राई कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।